तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे Realme 5 Pro जो Realme ने बहुत पहले लॉन्च किया था महीनों पहले, वो राइट चॉइस है कि नहीं लेना। तो मैं आपको यही इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के साथ हम वीडियो चालू करते हैं, बाकी बातें हम आगे करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं Realme ने अपना Realme 5 Pro लॉन्च करता था कुछ महीनों पहले। तो रियलमी की तरफ से तो अच्छा ओपिनियन था, वो बहुत अच्छा पॉइंट था अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। अब आप सोच रहे हो इतने सारे इसके मुकाबले में आ गए हैं, रियलमी XT आ गया है, नोट 8 प्रो आ गया, थोड़ा महंगा वो, पर अच्छा है नोट 8 भी प्रो जो आया है, तो यार वो भी ले सकते हो आप। ये ऑप्शन तो बहुत सारे, पर आपको मैं ये बताऊँ ये क्यों लेना है। मतलब यार फोन तो बहुत सारे आते हैं पर इसके प्राइस रेंज के मुकाबले में कोई आपको बता मतलब मिलते कम ही है इसके। तो मैं ये बताऊंगा आपको ये लेना चाहिए या नहीं, वो ही बताता हूँ आपको इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हो पहले मैं आपको फीचर बताता हूँ, फिर आपको प्राइस का बताता हूँ क्या है। तो चालू करते हैं। मतलब फिर पहला आपको मिलेगा इसमें आपको 712 का स्नैप ड्रैगन मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। 712 स्नैप ड्रैगन जो 10 नैनोमीटर की चिप पे भेज रहे, मतलब 10 नैनोमीटर गेमिंग तो आपको परफेक्ट मिलेगी, ये बात है। और 4035 mAh की बैटरी है, 4035 mAh की बैटरी है। और 48 कैमरा बताते हैं हम, 48 822 MP की कैमरा है और 16W का कैमरा है फ्रंट सेल्फी के लिए, जो आपकी फोटो अच्छी कर देगा। और इसी साथ रियलमी इसमें दिया हुआ है फास्ट चार्ज अपना 20W का, जो आवाज देती है रियलमी टाइप सी पोर्ट के साथ, तो ये अच्छी बात है। और 6.3 इंच की स्क्रीन और न्यू क्रिस्टल डिजाइन है, तो न्यू क्रिस्टल डिजाइन है इसका, यार ये अच्छी बात है। दो कलर मिलेगा आपको, नीला हरा और एक काला, वैसे सीधी भाषा में बोलता है इतना मैंने सोचता गया आपका कौन से कलर है उनके, अपने आप में नाम होते हैं हरा वोरा डाल के बना देंगे। तो मैं यार ब्लू और हरा मिल जाएगा, मैं ब्लैक का कंफर्म नहीं है, मैंने जो है ना सारे में नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और स्प्लैश रेजिस्टेंट है। और क्या लेना फिर आपको, 4GB 64 मिलेगा, 4GB 128 और 6GB आगे आगे बढ़ते रहते वेरिएंट, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा सब रेट के साथ। तो आपको अब मैं बताता हूँ लेना चाहिए या नहीं। ये सब फीचर तो बहुत बढ़िया है, फोन का प्राइस भी ठीक है, पर लेना ना आपको सेल में लो। रियलमी की जब सेल लगती है ना, ये दिवाली में जैसे लिखी थी 12,999 का हो गया था, 13,999 का फोन 1,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। ऊपर से आपको कार्ड से तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, आपके पास अगर वो है तो आप वो भी ले लो, 10% 1,000 या 800 का मिल जाएगा डिस्काउंट, तो वो भी ग्रैब करो आप। तो 11,999 में ना बेस्ट पैकेज बन जाता है ये फोन, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। और इसमें आपको डॉट नॉच मिलेगी, दूसरी नहीं, प्राइस रेंज में ये बढ़िया है। और इसकी सब अच्छी अच्छी चीज है, ये बात है इसकी खासियत, 4035 mAh की बैटरी और ये सारे फीचर्स को मिला के फोन अच्छा बन जाता है। सेल में लेना तो उसको लेना है, तो ऐसे नहीं लेना सेल में ओनली टू बाय, वैसे तो बेकार ही है फोन ऐसा, मतलब बेकार नहीं, मतलब ये फोन प्राइस तो इसका ठीक है पर आपको बाद में अगर सस्ता मिले तो आपको दुख होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर आप ले रहे हो ना सेल में लो, ऐसे मतलब रोज रोज लेके बैठ जाओ, अगर आपको इमरजेंसी तो आप ले सकते हो, बस पैकेज है ये, और आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो ये ले लो, तो बेस्ट है। रियलमी कंपनी भी ठीक है यार, 1 साल हुए इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, 7 नंबर पे आ गई वर्ल्ड की, और क्या चाहिए, इतना बढ़िया इसके प्रोडक्ट है। बस एक रियलमी के अपने UI की हम उम्मीद करते हैं कि वो आ जाए बहुत जल्द, बाकी तो ठीक ही है फोन, एक नंबर है, बहुत मजेदार फोन है। और बस इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। और रियलमी का एक नए नए मतलब अप्रोच आती रहती है, हर महीने एक नई नई चीज देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो रियलमी XT आया था ना, उसके भी सेम फीचर है, बस एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और उसमें रियर फिंगरप्रिंट है, दो ही ये फर्क आ जाता है बस। और मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यार डॉग पर मतलब डॉग खेल रहा अपना यहाँ पे ही, मेरे साथ बैठता है मतलब, तो इसलिए ये देखो गलत काम कर रहा है, दूर मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर खेलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं, और सेल में लेना फोन बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया फोन है, अपने प्राइस के हिसाब से बन जाता है। पर मैं चाहता हूँ कि आप सस्ता लो यार, सस्ता करके लो, अपने डिस्काउंट मतलब ले लो सारे, तो आपको फायदा भी हो बाद में दुख भी ना हो, सस्ता जब हो तो ये करो बस। चलते हैं हम, बाय बाय, सीधा वीडियो खत्म होती है।